तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में, सीआरओ। तो जैसा कि जब मैं सीआरटी पढ़ा था तो उस समय भी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था कि सीआरओ में जो क्या करते हैं हम, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिसमें किसको कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन सिग्नल का, सिग्नल यानी कि वेव फॉर्म का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यूज करते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वोल्टेज, करेंट एंड पावर इज डिस्प्लेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। For its operating, uses the properties of cathode ray which are deflected in electric and magnetic fields and give the spot of fluorescent screen। यानी कि ये एक डिस्प्ले का एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, एक इस तरीके से स्क्रीन होती है, इस पे सिग्नल का वेव फॉर्म्स का विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन मतलब दिखाती है कि वेव फॉर्म कैसे वैरी कर रही है और किस तरीके से ये जा रही है। तो अब इस सीआरओ के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मेन मेन ब्लॉक्स को हम लोग देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके मेन जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक तो वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, डिले लाइन यूज करते हैं, ट्रिगर सर्किट यूज करते हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर होता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है, सीआरटी होती है एंड पावर सप्लाई होता है। तो ये इस 5 से 6 पार्ट में, 6 से 7 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके सीआरओ के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट वी डू नाउ, विल जस्ट सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। हियर इट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, दिस नथिंग बट ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, दिस कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। सीआरओ का मेन, जैसे बताया था, हार्ट ऑफ सीआरओ जो होती है वो सीआरटी होती है, यानी कि सीआरटी की वजह से, सीआरटी के अलावा बाकी कुछ ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं, तो सीआरटी इसका मेन पार्ट हो गया। नाउ सीआरटी के अलावा कुछ बहुत सारे ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं, उन ब्लॉक्स को 1 by 1 करके हम पढ़ेंगे। तो जो हम इनपुट सप्लाई देते हैं, जो इनपुट होता है वो हमारा आता है वर्टिकल, मतलब वर्टिकल एम्पलीफायर को देते हैं, और हमने यहाँ पे 2 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव से दिखा रखा है, क्योंकि जनरली जो हम सप्लाई देंगे उसके 2 एंड होगा, प्लस एंड माइनस। तो हमने यहाँ पे इनपुट दिया, जो इनपुट होगा वो जनरली वीक इनपुट होती है या इनपुट की वैल्यूज जो होती है वो काफी कम होती है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, जो कि वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू किया जाता है। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि जनरली इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो एम्पलीफायर से जो आउटपुट होता है वो जो है डिले लाइन को दिया जाता है ना। और मैंने पहले ही बताया था कि ये जो वर्टिकल सिग्नल्स जो होती है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जाती है, और जो टाइम बेस्ड जनरेटर होता है वो ट्रिगर हॉरिजॉन्टल जो प्लेट होता है वो टाइम बेस्ड जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है, और इसके साथ ट्रिगर यानी कि जो हमारा इनपुट होता है उसके साथ ट्रिगर सर्किट को कनेक्ट करते हैं। यानी कि इनपुट सिग्नल का, इनपुट सिग्नल जो होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होती है वो टाइम बेस्ड यानी कि एक्स एक्सिस डिसाइड करने के लिए यूज होता है। तो ये वर्टिकल प्लेट का, वर्टिकल एम्पलीफायर का मतलब समझ गए, ये वर्टिकल जो यानी कि इनपुट जो सिग्नल आ रही है उसको एम्पलीफाई करने के लिए, क्योंकि सिग्नल जनरली वीक होती है तो उस पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसके बाद एक डिले लाइन यूज करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिले लाइन। डिले लाइन का मतलब हो गया कि ये डिले सर्किट है जो डिले प्रोवाइड करता है कुछ माइक्रोसेकेंड एंड कुछ। क्यों डिले प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो हमारी ये सिग्नल्स है वो यहाँ पे वर्टिकल सिग्नल्स जो है यानी कि यहाँ से जो सिग्नल जा रही है वो वर्टिकल, ये सिग्नल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को पहुंच रही है, और दूसरी जो सिग्नल है वो 3 ब्लॉक को क्रॉस करते हुए, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को क्रॉस करते हुए फिर हॉरिजॉन्टल प्लेट पे पहुंच रही है। जबकि स्मूथ वेव फॉर्म्स को ड्रॉ करने के लिए दोनों प्लेट पे हमारे सिग्नल का एक साथ पहुंचना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में हम एक डिले लाइन का यूज करते हैं जो कि कुछ डिले प्रोवाइड करता है, सो दैट हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल प्लेट पे सिग्नल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट पे जो सिग्नल है वो दोनों एक साथ रीच करे, या दोनों एक साथ जो है वो पहुंचे, क्लियर है, जैसे डिले लाइन का यूज करते हैं। तो ये 2 मार्क्स में जाने पूछा जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिले लाइन। नाउ अब आते हैं ट्रिगर सर्किट पे। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज को ट्रिगर करना, सिंक्रोनाइज करना। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो ट्रिगर सर्किट क्या करता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे एक साथ ट्रिगरिंग प्रोवाइड यानी कि एक साथ सिंक्रोनाइज करता है। फॉर एग्जांपल मतलब कि
कि अगर हमारे पास यहाँ पे वेव फॉर्म्स आ रही है, इनपुट वेव फॉर्म साइन वेव, ठीक है, तो साइन वेव जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसी टाइम पे हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे जो सॉ टूथ वेव फॉर्म जनरेट होगा, यानी कि स्वीपिंग जो होगी, यानी कि एक्स एक्सिस का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होगा, वो दोनों एक साथ होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल क्यों दिखा रहा हूँ मैं, ये आपकी वेव फॉर्म है और ये जो हमारा स्वीपिंग जो हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बीच बीच ये एक्सिस है, फिर यहाँ तक आया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, यानी कि ये जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, आई विल शो विद सम अदर कलर, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये और ये यहाँ से दोनों का एक साथ स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि जब ये यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो ये जो हमारा स्वीपिंग है वो भी हमारा यहाँ पे एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। फिर इसके बाद जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो दूसरी साइकिल जो है वो इस तरीके से कम्प्लीट होगी, यानी कि ट्रिगरिंग जो होगी, सिंक्रोनाइजेशन होगा, वो दोनों एक साथ होगा। तो ट्रिगर सर्किट का काम क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन करना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन पेज पे एक साथ सिग्नल जो है वो सिंक्रोनाइज होगी। क्लियर? नाउ अब आते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर। तो पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से मैं इसके बारे में बात करता हूँ। टाइम बेस्ड जनरेटर जो करता, क्या करता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन की ये एक शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म जनरेट करता है। शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म के थ्रू हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन डिसाइड होता है, क्योंकि ये आगे पीछे की तरफ बहुत काफी तेजी से जो है वो फ्लक्चुएट होता है एंड डिफ्लेक्ट होता है, तो इस वजह से ये एक्स एक्सिस को डिसाइड करता है। और टाइम जो हमारा इसी, इसका नाम टाइम बेस्ड जनरेटर है, क्योंकि ये टाइम एक्स एक्सिस को टाइम के रूप में कन्वर्ट करता है। इसके बाद इससे जो सिग्नल आती है, पास होती है, वो सिग्नल वीक होती है, बहुत बहुत बार, हमेशा तो नहीं, लेकिन समटाइम्स इट इज काफी वीक सिग्नल होती है या काफी कम सिग्नल होती है, उसको हमें हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू पास करना पड़ता है। एंड दिस हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर जो है वो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके और मेजरेबल मेजरिंग रेंज तक लेके आता है। ये सारे ब्लॉक का काम हो गया, इनपुट प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल एम्पलीफायर को, यहाँ से एक सिग्नल जाती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को, दूसरी सिग्नल जो है वो मतलब ये कह सकते हो कि ट्रिगर सर्किट वर्टिकल सिग्नल और हॉरिजॉन्टल के बीच में ट्रिगर का काम करता है, तो ये वर्टिकल सिग्नल को ट्रिगर से कनेक्ट कर दिया और हॉरिजॉन्टल सिग्नल भी ट्रिगर से कनेक्टेड है। तो ये ट्रिगर का काम क्या होता है, वर्टिकल सिग्नल एंड हॉरिजॉन्टल सिग्नल को एक साथ ट्रिगरिंग प्रोवाइड करना, सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना। डिले लाइन का काम क्या होता है, दोनों सिग्नल एक साथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट पे पहुंचे, उसके लिए क्या करते हैं, डिले लाइन का यूज करते हैं, क्योंकि डिले लाइन डायरेक्टली यहाँ पहुंचता है, सॉरी वर्टिकल सिग्नल डायरेक्टली यहाँ पहुंचता है और ट्रिगर सर्किट दो तीन सर्किट्स को क्रॉस करके पहुंचता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल सिग्नल है, वो दो तीन सर्किट को क्रॉस करके पहुंचता है, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, डिले लाइन यूज करते हैं, सो दैट दोनों सिग्नल जो है दोनों प्लेट पे सिग्नल एक साथ पहुंचे। ट्रिगर सर्किट सिंक्रोनाइज करने के लिए, दोनों प्लेट को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। टाइम बेस्ड जनरेटर जो है वो शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म जनरेट करता है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के लिए, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को डिसाइड करता है। अगर ये नहीं होगा, अगर टाइम बेस्ड जनरेटर, तो हमारा ये सिग्नल जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएगी, हमेशा सिर्फ जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन ही देता रहेगा, चाहे कोई भी सिग्नल दोगे सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड दिखाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो सिग्नल जो वैरी कर रही है किस टाइप की सिग्नल है वो नहीं हो पा दिख पाएगी। और ये इसके बाद ये सिग्नल की अगर वीक सिग्नल है, काफी कम स्ट्रेंथ के सिग्नल है, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। And after this horizontal amplifier, the signal is goes to the horizontal deflection plate, which used to deflect horizontally. This is the and CRT, because this all thing is happening inside the CRT. Already we have studied about the CRT. And then, उसके बाद दो अलग part है, वो है high voltage and low voltage signal. यानी कि दो type के power supply देते हैं high voltage. The high voltage सिर्फ और सिर्फ CRT को जाती है, क्योंकि CRT जो है वो high voltage पे operate होता है, और लो वोल्टेज जो है वो बाकी सर्किट को, जितने सारे सर्किट हैं, इस सर्किट को, फिर इसके बाद यहाँ से इस सर्किट को, इस सबको जो है वो लो वोल्टेज दिया जाता है। रीजन है क्योंकि ये सारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो काफी कम वोल्टेज, लो वोल्टेज यानी कि 0 to 5 वोल्टेज पे काम करता है, सॉरी 5 to 10 वोल्टेज के अप्रॉक्स काम करता है, इसलिए बाकी सर्किट जितने भी अलग से सर्किट लगे हैं सीआरटी के अलावा, उसको हम लोग लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और CRT को हम लोग हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट
सीआरओ की जो ब्लॉक डायग्राम्स हमने एक्सप्लेन किया, इन्हीं सब को जो हो इन्हीं सब का जो है हमने एक्सप्लेनेशन लिखना कैसे है उसको ये कर रखा, जो मैंने बताया उसी को यहाँ पे दिखा रखा है कि वर्टिकल एम्पलीफायर जो है वो जनरली वीक सिग्नल को मेजरेबल डिफ्लेक्शन को एम्पलीफाई करने का काम करता है। डिले लाइन यूज टू प्रोवाइड द डिले फॉर सम टाइम इन द वर्टिकल सेक्शन, जो वर्टिकल सेक्शन में हमारे सिग्नल आती है उसको डिले प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। इसके इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। एंड देन रिवर्स सर्किट जो है वो सिंक्रोनाइज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन विद द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज हो, इस पर्पज के लिए हमें रिवर्स सर्किट का यूज करते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग टाइम पर सिंक्रोनाइज होगा तो जो वेवफॉर्म इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं वो हमें वहां पे फॉर्म नहीं हो पाएगी। टाइम बेस्ड जनरेटर का काम क्या है, ये शॉर्टवेव वेवफॉर्म जनरेट करता है एंड इसकी वजह से द एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस ऑन द स्क्रीन इज रिप्रेजेंटेड एज अ टाइम एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस है वो टाइम एक्सिस के रूप में इसी टाइम बेस्ड जनरेटर की वजह से रिप्रेजेंट हो पाता है। और फिर ये शॉर्टवेव वेवफॉर्म जो है वो प्रोड्यूस बाय टाइम बेस्ड जनरेटर मे नॉट बी सफिशियंट स्ट्रेंथ, तो उसके उसको एम्पलीफाई करने के लिए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। देन आफ्टर इन द लास्ट स्टेज वी विल जस्ट टॉक अबाउट द सीआरटी। तो सीआरटी का काम क्या होता है तो बता ही चुके हैं कि वो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, काफी फोकस इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्क्रीन पे स्ट्राइक होती है। पावर सप्लाई, दो टाइप पावर सप्लाई यूज करते हैं, एक हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज जो होते हैं जनरली 1000 से 1500 वोल्ट के आसपास होती है, क्योंकि सीआरटी इतना वोल्टेज पे काम करता है। और जो लो वोल्टेज होता है वो 5 to 10 वोल्टेज, किसी किसी फ्यू हंड्रेड मिली वोल्ट के आसपास या फ्यू हंड्रेड मिली वोल्ट के अराउंड या इस तरीके से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सीआरओ की वर्किंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप या उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी कभी कोई दिक्कत आती है किसी भी ब्लॉक्स में समझने में, यू जस्ट कॉन्टेक्ट मी, सेंड मी द मैसेज और जस्ट पुट योर फीडबैक इन ए कमेंट बॉक्स। थैंक यू।